नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि WhatsApp में वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहले बता दूं दोस्तों, इसका कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण इसका नेटवर्क मोबाइल का, उसके बाद आपको मोबाइल का ग्लिच कुछ, और उसके बाद इसका कुछ सेटिंग्स होता है जो कि प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ आपको, और गौर से आपको देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बतलाते हैं कि क्या क्या कारण है। पहले आपको देख लेना है कि नेटवर्क स्पीड सही है या नहीं, वरना आपका वो डाउनलोडिंग ले बतलाएगा और वो डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ से ग्लिच ठीक करने के लिए आपको फ्लाइट मोड मार के यहाँ से इसको एयरप्लेन मोड को ऑन करके और एक बार देख लेना है। और उसके बाद आपको चेक करना ये है दूसरा कि ये जिस आपका रिचार्ज है या नहीं, अगर यहाँ पे अगर सिम चेंज होगा तो यहाँ पे हो सकता है ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आपको सिम देख लेना है कि जिस सिम में आपने रिचार्ज करवाया है वही सिम यहाँ पे कनेक्ट है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है व्हाट्सएप पे, थोड़ा देर के लिए क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप आ जाएंगे। अब सेटिंग से भी आप ऐप मैनेजमेंट में जाकर और ऐप लिस्ट में आप सर्च करके व्हाट्सएप को ला सकते हैं। अब यहाँ से आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है। फोर्स स्टॉप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्टोरेज यूजेज में जाना है। स्टोरेज यूजेज में जाने के बाद आपको क्लियर कैच कर देना है, और क्लियर कैच कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, डाटा यूजेज डिटेल्स में जाना है और यहाँ पर आपको देख लेना है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है सेटिंग्स में, जैसे कि यहाँ पे डिसेबल मोबाइल डाटा होता है तो यहाँ पे यदि आपका इनेबल होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये डिसेबल हो जाता है व्हाट्सएप में, ये इनेबल रहने से डाटा ही डिसेबल हो जाएगा तो वीडियो डाउनलोड कैसे होगा, मतलब नेटवर्क ही कनेक्ट नहीं हो पाता है व्हाट्सएप में। तो इसको आपको डिसेबल कर लेना है और इसको भी आपको डिसेबल कर लेना है। ये इनेबल रहेगा तो फिर वाईफाई, आप किसी से वाईफाई कनेक्ट करके आप डाउनलोड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इस दोनों को आपको डिसेबल करके रखना है। और उसके बाद अब हम आप बैक आ जाते हैं, और अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, और अब आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है आपको अपडेट आया है या नहीं। तो अपडेट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाकर और सर्च कर लेना है व्हाट्सएप को, और यहाँ पे देख लेना है यदि अपडेट होगा तो यहाँ पे आप अपडेट कर लेंगे। कभी कभी पुराना वर्जन हो जाने के कारण वर्क नहीं करता है सही से, तो आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, हो सकता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक बार ये स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद पक्का 100% आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।